गजरा ऊतल को देखो गजरा जा दरबार तो नशा पिला ऊतल काम साहने दरबार करना ने और बाद के मुस्के उदय राज की दारो दाह जाए उतला रो वही परे दाह कबे के चाचा समझाई अरे जो मर गई है भ्रातन रौदल दिल में कछु न सहाई और तुम कहो नाच करो बदर समय के महुआ कोई है आज दुरावे चाचा जी अगर उदय राज मर जाएगा हमारा महोबा वीरान हो जाएगा तो बेटा बनारस में मेरी बात सुनिए अरे बूंदी खोद सब ताला हम कर रही भाई चाचा चाचा तुमका मालूम है बूढ़े आदमी ज्यादा नगर माने सो से फूले लगी अब तुम मिला जब गौन किरा देखत रहो अब कुछ ना करो धोई ना करो बरा चले देख सीधे डायरेक्ट बूंदी के चले काम साह के दरबार सब यार यो बताओ सब यार अब तो बताओ कर बात सुनो हमार हाँ बताओ चाहना है की क्या चाहे बगैर लिखे सलाह कोई काम ना हो हाँ अब ये उतल के ले कहे पर और दुई जने बूंदी चले हाँ अब आगे काम हो इधर कुछ ना मालूम तुम्हारी बुद्धि पे हीन है अब ये अब यह बात ना पूछो आगे अब आगे चल उदल बहुत जीत गया हमसे देवा चाचा तुम ये बताइए चाचा कि तुम बूंदी शहर को चले आए मेरे गौने के लिए और तुम उदय राज देखो चाचा ये बताइए तुमने ये लाखन को क्यों नहीं बताया कोई के वाले ये चलो और उस काम साह से मैं पूछूंगा कि उदल को कैद डराया है तो किस लिए डराया ठीक है ढेबा भैया चलिए चल बे आज बूंदी गई सबूंदी गई
करवा दिया। अब वो साला मर गया होगा वहीं पे, मैं बैठ कर मौज लूंगा अपने सिंहासन पे। अबे दरबारी, जय जय गोपाल। सरकार बेटे पर हर सवेरे सवेरे मामा, सवेरे सवेरे मामला, तुझको पता नहीं है साले मेरी पावनोगढ़ में दुश्मनी है। हाँ तो है ये, और वो साला जो दाहक में डाला था हाँ। वो तो समाप्त हो गया होगा, साला मर गया होगा, कीड़ा मकोड़ा खा गए होंगे। देखा है या नहीं? अरे देखा है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं वो सड़ गया साला। राज दरबार में कौन है हमारी? राज दरबार में आपके पिताजी ने है। हाँ राज दरबार में हमारे पिताजी उपस्थित हैं। ठीक है, देखो हमारा मोढ़ा लगाओ और मैं भी राज दरबार में आज पिताजी के कुछ बैठ के बातें करेंगे। ठीक है, जैसा आदेश होगा वैसा पालन होगा। हेलो हेलो, अरे कहाँ रह गो? वो देखो मेरे कुत्तों चौदो पीछे पीछे देख रो। नहीं देख, सुन मेरी बात, फाटक के आगे और गुनगुनाते गुनगुनाते फाटक के अंदर चले। क्या कहे? गुनगुनाते 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 फाटक पर आगे। ऐसा हमने देख कोई चौदह देख, कालो कालो लिखो, पता नहीं सालो का लिखो। कौन है तार का गजरा हो महक कई सारी रात, कौन है तारा का गजरा हो। अरे देख, तुझे बता रही हूँ, अंडू मुर्गा काटे था, अंडू पूरा नहीं देख ज्यादा कचर कचर करी है। तो सोच छपर चौथी लागी, यही गाँव में छपर चौथी कितनी लागी है, छपर चौथी लागू। अरे हाय देख दैया, यहाँ पर तो उस समय बैठे दौआ। इधर आचनर चोता, सुना मेरी बात को। देख तेरे द्वार पर आए कि सुना है कि सूरज बूंदी वाला बहुत दानी है चौदह। ए हाँ बोलो, सुना है कि बहुत दानी है। हाँ बिल्कुल, देख दौआ सुन मेरी बात को, हम इससे नहीं लेते हैं। एक बात बताओ तुम्हें, हाँ तो
हमने जो सुना है कि सूरत दानी है, राजा तानसा बूंदी का दानी है, ये बात सत्य है। लेकिन सुनो, बोलो, पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अरे कौन देश के और रहने वाले कल बड़े ठिप डाल रहा हूँ जो आज महुले में डाल दिया, अब पना हुआ ढवाहे में डाल दिया भाई, फिर वो बंसी में डाल दिया भाई। ए सुन मेरी बात, और हमरो कुछ नहीं, नाम की सुना कि काम साहब बुद्ध का राजा बहुत दानी है, इसीलिए दवा तेरे द्वार पर आए। हमारे द्वार पे आई हो और मैं तो ये बताओ, तुम जात के नट हो तो तुमको कला वाला भी मालूम होगा। बिल्कुल कला आता है। आला भी मालूम होगा। आला भी मालूम, कला भी मालूम, भजन भी मालूम, कीर्तन भी मालूम। ठीक है, सुनो मेरी बात, पहले हमारे पिताजी को खुश करो और अपनी कला दिखाओ और अल्लाह सुनाओ, उसके बाद में वो मांगा इनाम तुम्हें दिया जाएगा। ए ए क्या कहता है कि बहुत बसाता है और जो चौदह अरी मघा छोलत पा जाता हूँ नया बसाए। हम सही कहते हैं, गलत नहीं कहा, जो घास छोलत पा जाए नहरिया पर तो हुमा ना बसाए। अरे सुबिया, यही लोग उनका बसाते हैं, लेकिन हम लोग उनको नहीं बसाते हैं। यो तो चाटत हो रोज, चाटत नहीं मई तेरे पर इतना फिदा हन, कोई जवाब नहीं है। हां जैसे खटाई खटाई वही। चलो ठीक है, तुम पहले अपनी कुछ कला और मुझे आल्हा सुनाओ, उसके बाद कला वो दिखाते हैं जो दुनिया में किसी ने दिखाया नहीं। ठीक है, मैं तो तुम्हारे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैं इंद्रजाल का कला दिखाती हूँ, मैं इंद्रजाल का कला दिखाती हूँ। पहले कि लो, हम लोग कहे हैं चार के पाँच हो जाते हैं, पाँच के छह हो जाते हैं, लोग एक दो तीन चार एक पाँच। पांच लोग हो, यानी तुम पांच लोग हो, अगर तुम छह लोग हो गए तो हम तुम्हारी कला सत्य मानेंगे। सच कहते हो? हाँ सत्य कहता हूँ। ठीक है, बैठ जाओ। मैंने नटराज से कहा है, राजा ने कहा है, सूरज ने, मैंने कहा इंद्रजाल का मैं कला दिखाती हूँ। हाँ और सुनो, तुम्हें क्या करना है? मैं जो बताऊं वो करना है तुम्हें। देवा सुन मेरी बात को, जहां से जाओ साठ हाथ का जो बांस लगा है खंभे पे चढ़ जाओ। साठ हाथ साठ और सुनो मेरी बात और सीधे चढ़ जाओ। और हम लोग यहाँ इनसे कला दिखा रही हूँ और तुम दहाड़ पे कूद करके और अपने भाई को निकाल करके लाओ। यानी एक जाए दो आए, एक आए दो जाए। तुम्हारा कहने का मतलब एक नटवा जाए मन के, हाँ, और दूसरा आए दो आए। जल्दी जाओ, जल्दी जाए, देखो दवा बड़ा दिखावा जाता है। वो देखो वो
देखो सामने से आ रहा है। सभिया ये इतनी महफिल में अगर एक गया है तो नहीं आएंगे तो सभिया बहुत बड़ी बात। अरे मैं साथ हूँ ना, फिर मैं कला लगाऊंगी, कला से उसे लाऊंगी। ठीक है सभिया, तुम्हारे पर पूरा गर्व है मुझे। अरे दादाजी तुम दूर हो, देख वो सामने से आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा, वो आ रहा। सभिया देख सूरज, अरे दोबारा की जय हो, जय हो, जय हो। एक मेरा नटवा गया और दूसरे को लेकर आ गया। ए, सुन मेरी बात सूरज सिंह, सूरज देख चार कच्चे हो गए, पांच कच्चे हो गए और तुम खुश हो तो सुन मेरी बात, जो मांगूंगी वो ले लूंगी। अरे ये बताइए दवा ये तुम लोग क्या करोगी? अरे दवा पीपल के पत्ता काटेंगे, छत्रों की शान छत्रों की देगा। अरे दवा दे दे, दवा दे। जी दे दो अपने, तो ये तो पुरानी हो चुकी है, अपने खजाने में बहुत सारी भरी हुई है, ले लेंगे, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। तेजा तो बहुत ही रखी है। देख तुमने सब दे दिया, अब हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं, जाओ। लेकिन रुको, मेरी बात सुनो। अरे जात के नटवो बोलता है सूरज, मेरी बात सुनो दादा। अरे सगे बहनों हो बेटे
कर्ण चिट्ठी कैसे है मुझे पढ़कर सुना दी। नहीं नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता है। लखन आबरू इज्जत बराबर होती है। दादा जल्दी खोलो एक कनवट की चिट्ठी लखन को पढ़कर नहीं सुनाओगे दादा तो तुम्हारे सामने दादा मैं अपने प्राण गंवा दूंगा। मेरे प्रिय मित्र लखन जांगे खोलो तो ही आबरू है। दादाजी चिट्ठी में पढ़ करके अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं। सुभिया अगर ये चिट्ठी पढ़कर नहीं सुनाओगी तो कनौज में लखन का कभी भी जिन्ना नहीं देखोगे मैं जान देकर मर जाऊंगा। सुनो मेरी बात को चिट्ठी में क्या लिखा है। क्या लिखा है मुझे बताइए। हाय चाली चिट्ठी भेजी मात तिलका ने हमारे घर टाकिया लेकर। दादा लखन दादा कहो लखन अरे अमरा आलू दादा नहीं जाना मेरी बात। अगर ये पत्र आपके रिजगिर से नहीं आया होता तो मैं तो गौना देने के लिए तैयार था। लखन दादा मैं ये सब समझ गया कि मेरी माँ ये कैसे किया। अरे मामा माहिला उरैया वाले मेरे जीजा जी लखन सुनो मेरी बात। अरे तुम सब लायक हमन
सुनो मेरी बात जीजा जी, सूरज मैं अपनी बहन का डोला आपके घर आपके साथ हंसी खुशी से भेज रहे हैं। सूरज ठीक है ठीक है। अरे हो भाई सूता जो घर ये बने थे। क्या पाओगे क्या पाओगे बेटी हमारी हो या तुम्हारी। और ये आखिर अरे कुसुमा का नवज गई है सौगढ़ की लूट चाहते हैं। बहन बेटी हमारी हो या तुम्हारी हो बहन हमेशा बड़ा धन होता है ये आला की राय है। ठीक है पिताश्री पिताश्री। सूरज सूरज तुमने इन्हें इकरार कर लिया कि मेरी गलती है और तुम्हारी बहन मेरी बीवी है। ठीक है सूरज लेकिन मैं ऐसे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या बताएगा वो दला ना तो बताई है भाई मेरा मित्र उदय उदय सिंह राय ये इतने दिन तक में मनाया सब कुछ किया। अरे सूरज सूर सोले मैं तेरी बदतमीज कहीं का दादा अमल खान। सूरज समझ लीजिए आप तो बताओ सूरजा सब बूंदी कई तो बताओ सूरज हमारी बहन आ चुकी है और डोला ले लो और आराम से हमारे अगर कासों की लूट जाते हो ले जाओ सूरज। तो यानी तुम तुमको मालूम होना चाहिए कि जो इंसान अपनी इज्जत दे दिया समझ लो सबको दे दिया। सूरज ये बताइए तू अपने बहन का तो मुझको दे रहा है चल लाए भोज दे ही पर लाए भोज कर अपने बहन को बिदा कर। ये बात है ठीक है मैं अपने राज दरबार से अभी 5 किलो धान मंगवाता हूँ और एक नई दुसाला चद्दर मंगवाता हूँ अभी भोज अभी भोज।
अरे सूरज सूरज छलिया कड़ बूंदी कोई छलिया कड़ बूंदी इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सर पे पैर रखोगे। मेरी बात, मैंने तुम्हारे पैर पूजे हैं लखराना, सर नहीं पूजा है। सूरज सूरज समझ रहे हो, और कितनी साली महुबे की फौज है, उस मादर जो तो बुलाओ और सूरज का सूरज सूरज सुन मेरी बात, तेरी में इसी में भलाई है। अरे मैं सार बहनोई हूँ, मैं तेरा बहनोई हूँ, तो मेरा साला है, मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। तो सूरज सुन मेरी बात, लाथा राना सुनो मेरी बात, अरे घर घर जादू और Thank you.
उदयराज माथा पलड़िया ना और अम्मा सब पलड़िया ना मां जय माता मेरे मित्र पर कोण के बखार कर रहे अरे जल से मर गई हमारा नाम अरे पिंजरा भर पोर्स सती माता की जय हो।